तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास है सैमसंग का गैलेक्सी A70s। तो इसी वीडियो की ओवरऑल आज मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ। ये एक सैमसंग का एक ऐसा फ़ोन है जो आपको अभी फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे इसका सेल भी कोई नहीं मिलेगा, ना ही सैमसंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी आपको इसकी कोई सेल देखने नहीं मिलेगी। आपको इसके फीचर्स आप देख पढ़ तो सकते हैं पर इसकी सेल अभी अवेलेबल नहीं है। और इनफैक्ट जो हमारे टेक्निकल गुरु जी है उन तक भी ये फ़ोन पहुंच नहीं पाया है अनबॉक्सिंग के लिए। तो जब मैंने सोचा जब मेरे पास पहुंच ही गया है तो क्यों ना आपको इसके जो भी फीचर्स है जो भी इसके डिज़ाइन है उससे आपको इंटरेक्ट कराया जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको मैं फ्रैंकली बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने इस फ़ोन को ओपन किया था, इसे मैंने सब सेटअप करके ले लिया, तो भी मैं चाहता हूँ आपके सामने मैं इसे एज अ अनबॉक्सिंग प्रेजेंट करूँ ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे इसके बेसिक की फीचर्स दिखा देता हूँ जो इसके पीछे दिए गए हैं। वो है इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, जिसे आप वाटर ड्रॉप नॉच भी बोल सकते हैं। और सेकेंड क्या है, ट्रिपल कैमरा, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने मिलेगा। उसके बाद है सुपर फास्ट चार्जिंग, इसमें 25 वॉट का चार्जर आपको दिया रहेगा जिससे आपको सुपर फास्ट चार्जिंग आपकी हो सकेगी। और उसके बाद जैसे बेसिक फीचर दिए गए 4G LTE ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें दिया गया है, वो भी लेटेस्ट वर्जन का दिया गया है, वो भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे इसका जो स्क्रीन साइज़ है वो है 6.7 इंचेस का, फुल एच डी सुपर एमोलेड स्क्रीन दिया गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी कैमरा है जो रेयर कैमरा इसका है 64 मेगापिक्सल। आपको विश्वास नहीं होगा, ये ऐसा फ़ोन है जो वर्ल्ड का पहला 64 मेगापिक्सल रेयर कैमरा वाला फ़ोन है। साथ में 5 मेगापिक्सल कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल कैमरा मिल रहा है, जो डेप्थ एंड वाइड एंगल कैमरा दिए गए हैं। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, जिसे आप बोल सकते हैं। और ये आपको दो वेरियंट में देखने मिलेगा, एक तो है 8 GB और एक तो है 6 GB। और दोनों में इसकी जो रोम रहेगी इंटरनल मेमोरी 128 GB है, तो मैंने 8 GB वेरियंट लिया है। और इसकी प्राइसिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि अभी ऑफिशियली ये लॉन्च नहीं हुआ है, तो इसकी प्राइसिंग कम ज़्यादा हो सकती है। तो प्राइसिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और इसको कैसे परचेस करना है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। उसके बाद चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैंने सील ओपन रखी है और इसे जस्ट ऐसे ऐसे करना है। हाँ जस्ट ये देखिए ओपन हो गया। और यहाँ पर इस केस में देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसे निकालेंगे तो इसमें इसका बैक कवर दिया है और इसमें कुछ बेसिक गाइडलाइंस दिए रहेंगे। ये देखिए ये बैक कवर है और इसमें कुछ बेसिक की टूल्स दिए हुए हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले मोबाइल मोबाइल से पहले ये भी देख लेते हैं मोबाइल के साथ और क्या क्या दिया है। जैसे मोबाइल को यहाँ हमने निकाला, यहाँ पे एक चार्जर दिया गया, जैसे मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया ये फास्ट चार्जर है 25 वॉट का, ये आपके फ़ोन को बहुत ज़्यादा जल्दी चार्ज करेगा। और इससे पहले 15 वॉट के चार्जर दे रहे थे, अभी सैमसंग ने 25 वॉट चार्जर निकाल दिए हैं। उसके बाद ये टाइप सी केबल दिया है, इसे आप चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और एक नॉर्मल सा, मतलब इतनी अच्छी, मतलब सैमसंग ने इतना सब कुछ अच्छा कर दिया बट उन्हें अपना हेडफोन नहीं चेंज करना यार, तो खैर थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल भी दिया गया है इसमें, तो अब डब्बे को तो साइड में करते हैं, अब फ़ोन पे ध्यान देते हैं। चलिए मोबाइल की डिज़ाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रिपल कैमरा यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहे हैं, उसके बाद नीचे एक फ्लैश दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे सैमसंग की ब्रांडिंग दी है। और जो ये डिज़ाइन है सैमसंग ने जो दिया है इसे प्रिज्म क्रश उन्होंने नाम दिया है। और इस फ़ोन में 3 कलर वेरियंट अवेलेबल है, ब्लैक, वाइट एंड रेड। तो मुझे ब्लैक पसंद था इसे मैंने ब्लैक लिया। और अब बात करेंगे इसे ऑन करने की, चलिए मैं इसे ऑन करने के लिए यहाँ पे पावर बटन पे मैंने दबा दिया है। यहाँ पे सैमसंग A70s लिखा है सिक्योर्ड बाय नॉक्स, और यहाँ पर साइड में देखिए वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन के नीचे ही लॉक बटन भी दिया गया है। और यहाँ पे फ्रंट में सेल्फी कैमरा दिख रहा है, उसके ऊपर स्पीकर है, और यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा रहेगा एक USB Type-C वाला यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। उसके बाजू में आपको यहाँ पर स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं, और यहाँ पे साइड में ही 3.5 का MM जैक दिया गया है। जैसा कि फ़ोन ऑन हो चुका है, अब हम इसे देख लेते हैं इसमें क्या कैसा सिस्टम दिया गया, इसमें OS कौन सा दिया गया है। इसमें जो भी OS दिया गया है एंड्रॉयड OS जो है वो है सैमसंग का ना,
एंड्रॉयड 9 वर्जन जो है पाए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा पाए पे ये चल रहा है। और इसका यूआई वर्जन सैमसंग अपना 1 UI है जो लेटेस्ट है काफ़ी। इसमें आपको खास बात ये भी देखने मिलेगी, यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का जो भी म्यूज़िक सिस्टम दिया, साउंड सिस्टम दिया गया, वो आपको तभी मतलब उसका एक्सपीरियंस देखने मिलेगा जब आप इसके हेडफोन्स लगाएंगे, तब आपको इसका एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। आपको इसको हेडफोन को कनेक्ट करके ही आपको उसको सुनना है, तो आपको उसका एक्सपीरियंस अच्छा मिल पाएगा। अब बात करेंगे इसके कैमरे के फीचर्स के बारे में। कैमरे आप चले जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको हाइपर लैप्स का ऑप्शन दिया गया है, स्लो मोशन का ऑप्शन दिया गया है, सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन दिया गया है। वीडियो वीडियो तो आपको पता है, वीडियो में इसमें जो भी आपकी रिकॉर्डिंग होगी वो 4K रिकॉर्डिंग हो सकती है। और इसमें फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे आने वाले, काफ़ी डिटेलिंग में आ सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग की बटन से आप अलग अलग सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे क्लिक करने पे वाइड एंगल ऐसे जूम हो जाता है, लाइव फोकस है, प्रो मोड है, तो काफ़ी अच्छे कैमरेज के ऑप्शन दिए गए। कैमरा भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। फिलहाल मेरे पास अभी कुछ सैम्पल फ़ोटोज़ नहीं मैं आपको दिखा पाऊँ, बट अगर आप लोगों को इसकी और डेप्थ में पर्टिकुलर कैमरे को लेके या पर्टिकुलर परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस एंड गेमिंग परफॉर्मेंस का इसका देखना है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है और इस पर वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं नेट पे। तो अगर आप बोलेंगे तो, डिमांड करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। और इसमें बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सैमसंग ने इसमें ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट्स दिया है, तो अब देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। इस पर अभी क्लिक करना है, जस्ट देखिए क्लिक करने पर जस्ट परफॉर्म नहीं हो रहा है, इसे ऐसे रखना है, जब तक हम थोड़ा प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो मैच नहीं करता है। तो थोड़ी बहुत इसमें कमियां हैं, ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैंने इसे 30,999 में लिया है और फ़िलहाल अभी ये मार्केट में अवेलेबल नहीं, ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है। जैसे मार्केट में अवेलेबल होगी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी रहेगी, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए यार, आपको लाइक ज़रूर करना है। और आपके दोस्त लोग में से कोई प्लान कर रहा है सैमसंग मोबाइल खरीदने के लिए, तो उससे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने सारे बडीज़ के साथ इस वीडियो को शेयर करना ही करना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही था, आई होप आपको आज का अनबॉक्सिंग अच्छा लगा रहेगा। तो मिलते किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।